सब कुछ जानते हुए भी हम बार बार गलत काम क्यों करते हैं? हमको पता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर भी हम बलपूर्वक उस काम को ही क्यों कर बैठते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न आपके मन में भी कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं श्री कृष्ण से जानते हैं। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वास्नेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, ये पुरुष न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप करता है? मतलब बिना इच्छा के भी बलपूर्वक गलत काम क्यों करता है, मानो जबरदस्ती लगा दिया गया हो? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिनम। मतलब रजोगुण से उत्पन्न हुआ एक काम ही क्रोध है, ये कभी शांत नहीं होती है, ये बहुत काने वाला महापापी है, यहाँ तुम इसको शत्रु समझो। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ एक काम ही सब पापों का कारण है। इस काम के वजह से ही मनुष्य गलत काम करता है। ये काम कभी न बुझने वाली आग है, इसलिए तुम इसको शत्रु समझो। ये उत्तर सुन के आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये काम हमारा शत्रु कैसे है? आखिर श्री कृष्ण ने काम को ही शत्रु क्यों बताया? तो आगे सुनिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानियों का नित्य वैरी और कभी न तृप्त होने वाली इस कामरूपी शत्रु से ध्यान ढका हुआ है। दोस्तों श्री कृष्ण बताते हैं, ये काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है और मनुष्य इस काम से कभी तृप्त नहीं होता है। जितना हम इसको भोगते हैं उतना ही ये बढ़ता है। जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, ठीक इसी तरह एक काम भी है। इस काम से हमारा ध्यान ढका हुआ है, इसलिए कृष्ण इसको शत्रु बताते हैं। तो कैसे भी करके इस काम रूपी ढक्कन को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये काम रूपी शत्रु रहता कहाँ है, क्योंकि इस काम रूपी शत्रु को मारने के लिए इसका निवास तो पता होना चाहिए ना। श्री कृष्ण बताते हैं, इंद्रियानि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठन मुच्यते एतैर्विमोहितेश ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया मन और बुद्धि ही इस काम रूपी शत्रु का निवास स्थान कहलाते हैं। ये काम इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। मतलब समझिए, आँख नाक कान जीभ त्वचा, ये पांच इंद्रिया मन और बुद्धि, ये इस काम रूपी शत्रु का वासस्थान कहलाते हैं। ये काम रूपी शत्रु इन वासस्थान के द्वारा ज्ञान को ढककर जीवात्मा को विविध प्रकार से मोहित कर देता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये काम रहता कहाँ है। इंद्रिया मन और बुद्धि ही इसका निवास स्थान है। तो चलिए देखते हैं कि इस काम रूपी शत्रु का नाश कैसे करना है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए। तस्मात् इंद्रिया अन्यादो नियम्य वर्तर्षभ पापमानं प्रजही हेन्यम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को नष्ट करो। दोस्तों श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियों से शुरुआत करो, मतलब पहले आँख नाक कान जीभ त्वचा, इन पांच इंद्रियों को वश में करो। सात्विक रहन सहन अपनाओ, तब ये सभी इंद्रियाँ वश में हो जाएंगे। जब आपके पांचों इंद्रियाँ वश में हो जाएंगे तब सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। गलत चीज़ें अंदर ही नहीं जाएंगे तो आप गलत कर कैसे सकते हैं? इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी महाशत्रु को मार डालो, क्योंकि ये काम ही सब दुखों का कारण है, सब पापों का कारण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ऐसे ही भगवद गीता पर और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए।